नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज का ये जो वीडियो है ना, वो बहुत डिमांडिंग वीडियो है। कई लोगों के कमेंट्स मेरे पास में आते रहते हैं कि उनको ये जो सीसीटीवी का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम का बिजनेस है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं। कई लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अभी जस्ट उसका जो फेज है वो इनिशियल फेज है। तो उन सबका कमेंट है कि सर, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं। और मैं आपको श्योरिटी के साथ में कह सकता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए इन 8 स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लिया, आप आराम से महीने के मिनिमम 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए आराम से कमा पाएंगे। बस आपको जरूरत है तो जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने की, जो सिस्टम है उसको फॉलो करने की। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूं इंस्टाग्राम लाइव करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। उस इंस्टाग्राम लाइव में आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब में आपसे 1-to-1 करता हूं। तो देर किस बात की, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है भरत_KJN। जाइए इंस्टाग्राम पर, फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो 8 स्टेप पे है। उसमें से जो सबसे पहला स्टेप निकल के आता है, आपको इस सिस्टम्स के बारे में जानना होगा, मतलब कि नॉलेज ऑफ द सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। ये बिजनेस कैसे हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है इस बिजनेस के अंदर, कैसे क्लाइंट आ रहे हैं, कैसे क्लाइंट्स के सॉल्यूशंस जा रहे हैं, आप कैसे उस चीज को अच्छे से डिजाइन कर पाओगे। आपको ये जो पूरा बिजनेस है वो आपके माइंडसेट के अंदर अच्छे से फिट कर लेना है। हो क्या रहा है, आपको बहुत अच्छे से जो दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। जहां पर आप कई जगह आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के वहां पर जाते हो, आप देखते रहते हो कि उनके वहां पर भी बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, कैसे लगा है, क्या जो वायरिंग है वो किस तरह से है, ओके उस लोकेशन पे कैमरा किस तरह से लगा हुआ है, वहां पर ऐसा क्यों है, डीवीआर कहां पर लगा हुआ है, कौन से कैमरे लगे हुए हैं, कौन सी ब्रांड लगी हुई है, वहां पर डोम है तो क्यों है, बाहर बुलेट है तो क्यों है। ऐसे बहुत सारे चीजें होगी जिसे आपको ऑब्जर्व करना है और उनको एक डायरी के अंदर अच्छे से नोट कर लेना है। यहां से आपकी जो इमेजिंग पावर है वो काफी अच्छे से डेवलप होगी। आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको किन किन लोगों के साथ में डील करनी है, ब्रांड्स के साथ में डील करनी है, आपको लोगों के साथ में डील करनी है, आपको सिस्टम्स के साथ में डील करनी है। तो वो जो आप पॉइंट बना के रखेंगे तो आप एक एक लोगों से आगे जाके मिल पाएंगे। सेकेंड स्टेप है यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लर्निंग। कोई भी चीज को शुरू करने से पहले, कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले, कोई भी जॉब को शुरू करने से पहले आपको उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको डॉक्टर से रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी और प्लस उसको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। इसके बाद में वो खुद का क्लिनिक कर सकता है, वो इंडिविजुअली वर्क कर सकता है। हर प्रोफेशन के अंदर यही होता है। लेकिन हम लोग जो इस बिजनेस को बहुत सीरियसली देखना चाहते हैं, हम अपने आप को कहीं पर देखना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, और हम ये चीज कई बार मिस कर देते हैं। जी हाँ, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हो तो आपको खुद को प्रैक्टिकली मार्केट में उतरना पड़ेगा। मेरा जो सबसे बढ़िया सजेशन आपके पास में यही है कि आपको 100% जॉब करनी चाहिए, कोई एक कंपनी के अंदर अच्छे से काम करना चाहिए काफी टाइम तक। वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से उस चीज को कैच कर लेते हैं। हो सकता है आपको 2 महीने लगे, हो सकता है आपको 6 महीने लगे, हो सकता है आपको साल भर लगे, हो सकता है 1.5 साल लगे। हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग है, उस तरह से आपको हर एक चीज को देखना है, ऑब्जर्व करना है प्रैक्टिकली, कैसे क्या चीजें हो रही है, कैसे क्या वर्कआउट्स हो रहे हैं, कैसे डायग्राम्स बन रहे हैं, कैसे सीसीटीवी के सिक्योरिटी सिस्टम्स के डिजाइन बन रहे हैं, कैसे आप जिस क्लाइंट के साथ में डील कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली जब मार्केट में उतर रहे हो तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस सॉल्यूशंस के बारे में बात करना। तो इस तरह से आपको, जब भी आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकली उस बिजनेस के अंदर उतरना पड़ेगा। वहां पर जाकर जो ग्राउंड लेवल है वहां पर जाकर देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां से हमें मटेरियल मिलता है, किस टाइप का मटेरियल मिलता है, क्या रेट में हमको मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल के साथ में जब हम क्लाइंट के वहां पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो कैसे होता है, क्या होता है, हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखनी होगी।
ये आपको करना ही करना है। अगर इस बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हो, बाद में जाके कंप्लेन नहीं करना चाहते कि यार बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, तो यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस। थर्ड थिंग आती है नेटवर्क की। जी हाँ, नेटवर्क हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। नेटवर्क मतलब क्या? आप किन लोगों के टच में आते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके रिलेटिव्स कौन है, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स कौन है। क्योंकि जब आप इस बिजनेस के अंदर कदम रखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इंक्वायरीज चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, जहां पर आप जाके काम कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला जब काम होता है, कोई भी इंसान जब बिजनेस शुरू करता है इस तरह का या फिर किसी भी तरह का, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताता है, अपने रिलेटिव्स को बताता है, अपने चाहने वालों को बताता है, अपने आसपास सोसाइटीज में बताता है। अगर वो ऑलरेडी कोई चीज कर रहा है तो वहां पर उन लोगों के साथ में बात करता है, उन लोगों के साथ में मिलता है और शेयर करता है कि भाई मैंने इस तरह का एक बिजनेस शुरू किया है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, अगर आप ऐसी कोई सिस्टम्स लगाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। आप सोशली नेटवर्क अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि आज मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं आज हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज़ करता हूँ। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होते हैं मुझसे, मैं उनसे कनेक्ट होता हूँ। वहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी प्रोफाइल रखता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मेरे पास में ये सिस्टम है, वो सिस्टम्स है, मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर करता रहता हूँ। तो जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं तो उनको मेरे बारे में पता चलता है और मेरे पास में ज़्यादातर लीड्स आती है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमें यही करनी पड़ेगी। इसके बाद में जब आपके पास में फंडिंग्स आती है और इसके बाद में जब आप पैसा लगाते हो, वो आगे का स्टेप्स है, वो मैं आगे इसको कवर करूंगा। लेकिन जब आप इनिशियल लेवल पे इस बिजनेस के अंदर उतर रहे हो, तो आपको अपना जो नेटवर्क है चारों तरफ का, वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में रिलेशन इस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, आपको डीलर्स के साथ में नेटवर्क इस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, आपको कंपनीज के साथ में नेटवर्क इस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। क्योंकि वहां से भी तो आपका मटेरियल आएगा कि आप कहां से प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, कितना सस्ते से मंगवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो नेटवर्क से जुड़ी होती है, तो आपको आपका नेटवर्क का जो दायरा है वो भी काफी अच्छा करना पड़ेगा। फोर्थ चीज इज अ पिलर ऑफ द एनी बिजनेस, फाइनेंस। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास में अगर पैसा नहीं हो या फिर वो जीरो इन्वेस्टमेंट से इस तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जीरो इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है। हाँ, नो डाउट ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े फंड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टेंशन फ्री बिजनेस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी पॉकेट के अंदर जब आप ये बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का अरेंजमेंट आपको करके चलना है। अगर ये फंडिंग आपके पास में होती है तो आप एक अच्छा सा टूल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास में एक बड़ी ऑफिस होना, अगर आप घर से भी ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई भी कस्टमर मोस्ट ऑफली आपकी शॉप पे विजिट नहीं करता, आपकी ऑफिस पे नहीं आता, आपको इसके वहाँ पे जाना होता है। तो चाहे आप इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे ऑफिस रखें ना रखें चलेगा, लेकिन आपके पास में जो आपकी टूल किट है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके पास में आपके जो ब्रोशर्स हैं कंपनी के, जो आप कंपनी जिस नाम से शुरू कर रहे हैं वो अच्छे अट्रैक्टिव होने चाहिए, आपके पास में अच्छा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, और जब आपके पास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर जो प्लेस होते हैं तो वो मटेरियल को परचेज करने के लिए आपके पास में मनी होनी चाहिए। नंबर फाइव पे मैंने रखा है इंप्लीमेंटेशन। जी हाँ, हमने सब ने अभी ये सब थियोरिटिकली बात कर ली, अब बात है इंप्लीमेंटेशन की। जब बात आती है इंप्लीमेंटेशन, मतलब आप अपने बिजनेस को अब इतनी चीजों के साथ में आप शुरू कर सकते हैं, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से शुरू करिए इस बिजनेस को। वहां पर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, इंप्लीमेंटेशन में क्या आ सकता है, सबसे पहले आपके विजिटिंग कार्ड्स होंगे, आपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा लिए, आपके पास में एक अच्छा अपनी कंपनी का ब्रोशर होगा, आपने ब्रोशर्स ले लिया, आपकी जो टूल किट आपको जो चाहिए थी, अगर उसका भी वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आई बटन पर भी लिंक दे रहा हूँ, जाके देखिए मेरे वीडियोज, देखिए लर्निंग वहां पर लीजिए। मैं कई सारे वीडियोज बनाता रहता हूँ इन्हीं सिस्टम्स के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप क्या सीसीटीवी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट करते रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां के वीडियोस देखिए, और भी बहुत सारे लोग इस फील्ड के बारे में वीडियोस बनाते हैं, आप उनको देखिए। प्रॉब्लम यहां पर इंडिया के अंदर यह है कि लोग सीख बहुत कुछ लेते हैं, रोज वीडियोस देख रहे हैं, रोज बुक्स पढ़ रहे हैं, रोज कुछ नया कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उसको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते। अच्छे अच्छे जो बिजनेस कोचेज हैं उनके बिजनेस कोच की ट्रेनिंग भी वो लोग ले लेते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते। क्योंकि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपके पास में रिजल्ट नहीं आएगा। मैं जो चीजें बोल रहा हूं आपको उसको इंप्लीमेंटेशन करना है। अगर आपने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, आपको इस बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर सिक्स, वन ऑफ द बेस्ट, माय फेवरेट, मार्केटिंग।
आपकी मार्केटिंग बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है आपके पास में बजट कितना है। अगर आपके पास में इनिशियल लेवल पे बजट नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको, जो नेटवर्क है आपका, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, व्हाट्सएप फ्री होता है, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, अच्छे अच्छे पोस्ट बनाओ। पोस्ट बनाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन कनवा करके एक एप्लीकेशन है, CANVA। आप कनवा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, उसके अंदर आप बहुत सारे ब्रोशर्स बना सकते हैं। आप बहुत ईजी है, मतलब वहां पर ना तो आपको पैसा लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। आप अच्छे अच्छे ब्रोशर्स बनाइए उसके अंदर, और वो आपके जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर शेयर करिए, आप स्टेटस में लगाइए, आप फेसबुक पे शेयर करिए, आप इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, लिंक्डइन पे शेयर करिए, अलग अलग लोकेशन पे आप उसको शेयर करिए। यहाँ पे तो कोई पैसा आपको नहीं लग रहा है, तो आप इस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसके बाद में अगर आपके पास में थोड़ा बहुत बजट है तो आप ब्रोशर्स प्रिंट कर सकते हैं। जिस मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हैं उस मार्केट के अंदर आप पैम्फलेट्स जो होते हैं, जो ब्रोशर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपको इनिशियल लेवल पे लीड्स नहीं मिलेगी वो लीड्स को लाने के लिए। नंबर 7, अब आपने काम कर लिया, आपने मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग करने के बाद में आपके पास में ऑर्डर्स आ गए, लीड्स आ गई, लीड आने के बाद में आपने उनको कोटेशन दे दिया, कोटेशन देने के बाद में आपने उनके वहां पर काम कर लिया। अब आपको क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, जो की फैक्टर है जिस वजह से आपके पास में कस्टमर दोबारा आएगा या फिर आपके पास में काम आएगा, दैट इज सर्विस। आपको आपके कस्टमर को वन ऑफ द बेस्ट सर्विस देनी पड़ेगी, देनी ही है, और उसी के बल पे आपको आगे के काम मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है ये जो मार्केट है ना, बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट होते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा बन गया है। आप एक मॉडल रखोगे, कस्टमर जाएगा, गूगल करेगा, मॉडल की रेट उसके पास में होगी, तो यहाँ पर आपकी जो रेट होगी, आपकी जो कॉस्टिंग होगी, ऑब्वियसली ऑनलाइन से तो ज़्यादा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप जहाँ से मटेरियल परचेस करेंगे, आप उस मटेरियल को लाएंगे, आप आपके क्लाइंट के वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लाइंट को ऑन साइट जाके सर्विस देंगे। अगर क्लाइंट के यहाँ पर एक साल दो साल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है उस मटेरियल के अंदर, उसको खोल के वापस रिटर्न लाएंगे, उसको कंपनी में कुरियर करेंगे, वहाँ से वो मटेरियल वापस आएगा, वापस उसको इंस्टॉल करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारा टाइम, काफ़ी सारा पैसा आपका लगता है। तो अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छे नहीं रखे हैं तो भी आपके कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि बिजनेस का जो एंड टास्क होता है वो होता है आपकी जेब में पैसा कितना आ रहा है। अगर आपकी जेब में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा तो ही आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस भी दे पाएंगे। कई बार कई लोग आपके सामने, जो आप लोग मेरा आज ये वीडियो देख रहे हो, कई लोग इस बात को एक्सेप्ट करते होंगे कि वो कोई मार्केटिंग नहीं करते। उन्होंने जो इनिशियल लेवल पे 50 क्लाइंट, 100 क्लाइंट, 200 क्लाइंट के साथ में काम कर लिया था, वही 200 क्लाइंट उनके लिए मार्केटिंग का काम करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें नए रेफरेंस मिलते हैं और हम नया काम करते हैं। एंड देन लास्ट, ये जो बिजनेस है ना, इसमें क्या होता है, जब आप एक क्लाइंट के साथ में एक रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने उसका एक बार काम किया, तो वो क्लाइंट आपसे हर महीने नहीं लेने वाला है सिस्टम, राइट? वो आपको दो महीने में बिजनेस नहीं देगा। शायद ये क्लाइंट आपको वापस दो साल के बाद में या तीन साल के बाद में वापस दूसरा बिजनेस देगा। तो ये बिजनेस के अंदर आप एक क्लाइंट के साथ में जितना भी अच्छा रिलेशन रखें, तो रिकरिंग आपका यहां पर कुछ ज्यादा बनता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको रोज नए कस्टमर्स चाहिए होते हैं। तो इसी के अंदर आता है, जब आप सर्विसेज अच्छी देती हो तो आफ्टर वन ईयर आप आपके क्लाइंट से AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो वो आपका जो क्लाइंट है वो हर साल आपको देता है। जब धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होगा ना, तो आपके पास में कंप्लेंट्स बढ़ेगी, तो इस तरह से आपके पास में एक AMC की जो रेवेन्यू होती है वो स्टार्ट होगी। अगर आपके पास में 100 क्लाइंट हैं या 200 क्लाइंट हैं, 200 AMC अगर आपने ली, अगर एवरेज एक AMC के पीछे अगर हम 5,000 भी पकड़े तो कितना अमाउंट हो गया? तो वो जो अमाउंट आपके पास में आएगा वो फिक्स डिपॉजिट की तरह आएगा। तो ये AMC जो इस बिजनेस के अंदर रिकरिंग जो करता है वो बहुत ही एक अच्छी चीज है, जो आपकी ऑफिस का, आपके स्टाफ का, आपके इंजीनियर्स का, सबका खर्चा निकाल सकता है। तो इस तरह से इस बिजनेस के अंदर जो 1 से लेके 8 पॉइंट हैं, वो 8 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए, अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिए, अच्छे से उस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर लिया, AMC तक आप पहुंच गए, आप आराम से इस बिजनेस के अंदर, अगर आप बहुत ही छोटे लेवल से भी बिजनेस कर रहे हैं तो 50,000 रुपए में मिनिमम बता रहा हूं,
आप आराम से लाख दो लाख रुपए महीने के इजीली कमा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही फास्ट करने की कोशिश की, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। फिर हम किसी टाइम पर, आगे आने वाले टाइम पर, हम एक एक टॉपिक को अलग अलग समझ सकते हैं। अगर आपने मुझे इस वीडियो के ऊपर अच्छे लाइक्स दिए, अच्छे कमेंट्स दिए, तो जरूर एक एक टॉपिक को लेकर भी मैं बड़े बड़े वीडियोस बना सकता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजी और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।